स्टूडेंट्स हुण आपां करन लगे हाँ डिफरेंशिएबिलिटी का लैक्चर तीसरा। ये आप क्वेश्चन करांगे एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। स्टेटमेंट देखते हैं आप, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज़ कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली टू पॉइंट्स, जस्टिफाई यूअर आंसर। तो पूछ रहा है कि कोई योजा फंक्शन दसो जे हो सकता है तो कि वह कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर होवे बट दो पॉइंट्स के उपर डिफरेंशिएबल ना होवे। तो आप एक एग्जाम्पल लिख लिए वाली, एफ ऑफ एक्स इज मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये भी मॉडुलस फंक्शन है। अपन पता है कि मॉडुलस फंक्शन है जड़ा एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस की कैटेगरी आता है। आप एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस की वीडियो बनाई हुई है, जो तुम उन्होंने देखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो किहड़े किहड़े फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस है। जे ये दोनों फंक्शनस कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर है तो उन्होंने सम भी की होएगा कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर। ये अपना पढ़िया हुआ है एलजबरा ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ये भी वीडियो हैगी, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो इतों अपना एक प्रूव हो गया कि ये दोनों फंक्शनस जोड़े इन दोनों का सम भी की है, एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है जिहड़ा कि एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। आपां नूं कहा सी कि एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस की एग्जाम्पल देनी है, तो यह टोटल की हैगा एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। हुण आपां गल करदे हां जिहड़ा उन्हें कहा सी आपां नूं कि दो पॉइंट्स के उपर डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए गा, वो देखते हैं हुण आपां। तां डिफरेंशिएबिलिटी चैक कर लगे पहला जीरो ते, तां लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव की गल करिए जीरो ते वो हो जाएगा जीरो नैगेटिव। ये डेफिनेशन वाला काम लगाता आपां, एफ ऑफ एक्स की जगह पर फंक्शन लगाता एफ ऑफ जीरो मतलब ये जीरो भरीए, ये जीरो ही हो गया। इतने माइनस वन का मॉडुलस करके आ गया प्लस वन, तो इतने आ देखो आ गया प्लस का वन, ये माइनस तो यह वाली है, ठीक है जी। डिनोमीनेटर असी कुछ नहीं किया, एक्स माइनस जीरो एक्स आ गया। हूँ इतने आप समझना है मेन जड़ा है कि इतों इतने किमें चेंजेस होंगे। मॉडुलस फंक्शन है जड़ा उन्हें क्या जीरो नैगेटिव वास्ते, जीरो नैगेटिव मतलब जीरो के लैफ्ट साइड से हाँ, आप मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स की जी वैल्यू है आप इस तरह कर सकते एक देसी तरीके नाल कि जीरो तो नैगेटिव वाली साइड मतलब जीरो तो लैफ्ट साइड से एक वैल्यू सोच लीए माइनस जीरो पॉइंट वन, मतलब आप वैल्यू कि सोची माइनस जीरो पॉइंट वन। ये थोड़ा जहा सिंपल जहा तरीका है जो आप दवा दा फंक्शन बिना डेफिनेशन तो लगाना चाहते हैं। तो ये कि देखो जो माइनस जीरो पॉइंट वन सोचे आप एक्स तो यह माइनस ही है, मॉडुलस नहीं आप यूज़ करना, ध्यान रखो माइनस है तो वह माइनस का ही बाहर आ गया, अंदर वाले नूं कैलकुलेट कर रहे हैं उही वैल्यू इतने भरी है। माइनस जीरो पॉइंट वन दे विच माइनस वन ऐड करांगे तो बन जाएगा माइनस वन पॉइंट वन, मतलब बनया कि माइनस का, तो इतने की लिख देंगे माइनस फंक्शन यही लिखना है। मेन है कि इन्हां दे बाहर साइन किहड़ा आएगा, इस चीज़ नूं समझ रहे आप, कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, पहली वैल्यू की पुट की थी माइनस जीरो पॉइंट वन अंदर, तो माइनस जीरो पॉइंट वन अंदर की है माइनस का, यह माइनस का बाहर आ जाएगा मॉडुलस। इतने माइनस जीरो पॉइंट वन पुट किया तो अंदर कितना बनया माइनस वन पॉइंट वन, मतलब माइनस का बनया तो यह फंक्शन भी की आ जाएगा माइनस का बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। वन उस तरह ए उस तरह बाकी कैलकुलेशन कर ली, इतने ब्रैकेट्स ओपन हो गई, इतने एक्स कटिया गया तो लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव साडा आ गया माइनस टू। हुण राइट हैंड डेरीवेटिव देखिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ते, तो जीरो पॉजिटिव डेफिनेशन आ गई सारी, पहला फंक्शन ही लगाना है एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो आप पहला भी गल की कि वह वन आ गया क्योंकि तो जीरो जीरो भरना से आप नीचे एक्स है। हूँ इस बाद फिर इतने समझिए कि इतने की हो रहा है, जीरो पॉजिटिव का मतलब एक वैल्यू मैं सोच ली जीरो पॉइंट वन, तो अंदर सोचना सिर्फ जीरो पॉइंट वन मतलब पॉजिटिव है तो यह पॉजिटिव ही बाहर आऊगा, देख लो तुम एक्स की आ गया बाहर पॉजिटिव। इतने जो मैं जीरो पॉइंट वन भरूंगा अंदर तो जीरो पॉइंट वन चो जो माइनस एक करूँगा तो आऊगा माइनस जीरो पॉइंट नाइन, की आया माइनस का, मॉडुलस नहीं यूज़ करना तो माइनस का आया, मतलब यह सारा फंक्शन किमें बाहर आएगा माइनस च बाहर आएगा। यही आप समझना कि बार प्लस च बाहर आएगा कि माइनस च बाहर आएगा, ठीक है। तो वन उस तरह ही आ गया, उदू बाद कैलकुलेशन की ये टर्म्स कट्टिया गई, जीरो बाय एक्स रह गया जिहड़ा कि जीरो है। तो इतने आप देखिए लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव तो राइट हैंड डेरीवेटिव दोनों बराबर नहीं आए, तो आप कह सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हैगा एट एक्स इज इक्वल टू
जीरो दे। उस तो बाद एट एक्स इज इक्वल टू वन की गल करते हैं आप, लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव क्ढीए वन पर, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नैगेटिव डेफिनेशन आ गई। इतने फंक्शन लगाता एफ ऑफ वन का, मतलब इतने वन भरीए, वन का मोडुलस वन, इतने वन चो वन घटावे जीरो, तो कुल मिला के की रह गया वन, आ देखो इतने वन आ गया, डिनोमिनेटर सेम है। हुण इस तो बाद फिर इतने समझिए, वन नैगेटिव का मतलब वन तो थोड़ी जी छोटी वैल्यू सोच लो, 0.9 इतने भरीए 0.9, तो 0.9 सिर्फ अंदर रहना, मॉडुलस नहीं यूज़ करना, तो 0.9 की है पॉजिटिव, यदा मतलब यह पॉजिटिव बार आएगा, देखो पॉजिटिव एक्स आ गया। इतने 0.9 भरेंगे तो वन चो घटावे तो कि बन जाएगा अंदर -0.1, मतलब माइनस च बनया, तो यदा मतलब ये फंक्शन के बाहर की लग जाएगा माइनस। ये हैगा सिंपल तरीका फंक्शन मॉडुलस चो बाहर क्ढन है। -1 उस तरह बिल्कुल नीचे सेम है, इतने कैलकुलेशन की ब्रैकेट्स खोलियाँ, तो इतने बन गया अपना न्यूमरेटर, क्योंकि सारा कट्टिया गया, तो 0/(x-1) आया से वह बन गया 0। हुण देखिए राइट हैंड डेरीवेटिव, राइट हैंड डेरीवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू वन, मतलब वन पॉजिटिव ते देखिए अपना डेफिनेशन, इतने फंक्शन लगा लिया एफ ऑफ वन, अपन पता ही है वन है, आप ऊपर भी किया है नीचे सेम। हुण इन्हां दोनों नू किवें लगाना है, वन पॉजिटिव का मतलब कोई वैल्यू सोच लो मन च ही 1.1, इतने 1.1 भरिया मतलब पॉजिटिव, तो इतने एक्स की आ गया पॉजिटिव आ गया मॉडुलस चो बाहर, ये तुसीं देख सकते हो। इतने जो इतने 1.1 भरिया अंदर, तो 1.1 चो वन घटा के कि आ गया 0.1, वह भी आ गया पॉजिटिव, यदा मतलब ये भी पॉजिटिव ही बाहर निकलूगा, देखो पॉजिटिव बाहर आ गया, ये -1 पिछे हैगा ही है। उदू बाद इन्हों जोड़ लिया 2 × x-1 बन गया, ये कट्टिया गया x-1 तो रह गया 2। लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव तो राइट हैंड डेरीवेटिव है जोड़े ये बराबर नहीं आए, यदा मतलब फंक्शन की है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है इनू आप इस तरीके नाल भी कर सकते हैं, देखो मैं डेफिनेशन लिखी है इतने, इनू थोड़ा जहाँ तुम्हें गौर करना है कि डेफिनेशन किवें यूज कर सकता बच्चा। आ देखो डेफिनेशन है मोडुलस ऑफ एक्स दी ऊपर वाली, तो नीचे हैगी है मोडुलस ऑफ x-1 की डेफिनेशन। तो इतने हुण आप मोडुलस दे नाल ये वाली चीज़ों समझांगे कि इतों इतने किवें आना है, ठीक है जी। 0 नैगेटिव ते मोडुलस ऑफ एक्स की नेचर देखो, आ देखो डेफिनेशन 0 नैगेटिव मतलब ये वास्ते मोडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू कि -x, तो इस करके इतने कि आ गया -x। हुण आप देखिए x-1 के मोडुलस की गल करिए, x-1 का मोडुलस की कह रहा है कि जे ये 1 तो छोटा हो जाए तो भी नैगेटिव हो जाता है, 1 तो छोटा हो जाए तो हुण तो अपना की है 0 नैगेटिव का मतलब तो 0 तो छोटा है, जे 0 तो छोटा है तो 1 तो छोटा ऑटोमैटिकली है, तो फिर इतने की आ जाएगा ए वाली डेफिनेशन यूज हो जाएगी -(x-1)। ठीक है जी, ये हुण दोनों वैल्यूज आप कितों समझिए डेफिनेशन तो। हुण अगलियां वैल्यू समझते आप ए वालियाँ, इस तो बाद इतने किवें लगाया एक्स मॉडुलस की वैल्यू देखनी है जदों साडा एक्स 0 तो वड्डा है। आ देखो एक्स 0 तो वड्डा है तो मोडुलस ऑफ एक्स की जगह पर की लिख सकते हैं प्लस द एक्स, तो आ देखो इतों ये आ गया प्लस द एक्स। हुण चैक करिए एदी वैल्यू, ठीक है जी। तो इतने आप देखांगे इन्हें क्या सीगा 0 पॉजिटिव, इतने लिखा हुआ है कि एक्स है जिहड़ा जे 1 तो छोटा है तो यह लगाना है। एक्स 0 पॉजिटिव का जो आप मीनिंग समझिए तो होंगे 0 के नेड़े हाँ, आप 0 के नेड़े हाँ सज्जे पासे, पर 1 तो छोटे ही हाँ, जे 1 तो छोटे हाँ यदा मतलब एक्स लैस दैन 1 वास्ते यही यूज होएगा, ये ध्यान रखना है। देखो बिकॉज 0 पॉजिटिव का मतलब 0 तो व्डे हाँ बट 1 तो छोटे हाँ, तो उन्हें कहा जो ही 1 तो छोटे हो तो ये लगाओ, इस करके यदि जगह पर ये लगाता मैं, बाकी सारा तुम्हें समझे वे कैलकुलेशन। हुण आपां देखते हैं इहदे ते देखिए आपां डेफिनेशन कि इस तो बाद स्टैप किवें आया, हुण डेफिनेशन की मदद ना समझ रहे, तो 1 नैगेटिव का मतलब की है 1 दे नेड़े हाँ असीं, 1 दे नेड़े, ठीक है। तो 1 दे नेड़े तो 0 तो वड्डे ही हाँ, तो मोडुलस ऑफ एक्स नूं की लिखना असीं एक्स, आ देखो इत्थे एक्स आ गया। 1 नैगेटिव है 1 तो 1 दे नेड़े हाँ, 1 तो थोड़ा जिहा छोटे हाँ असीं, तो 1 तो छोटे वास्ते x-1 की डेफिनेशन की कह रही है मॉडुलस की, 1 तो छोटे वास्ते ए लगाओ। आ देखो
ए दी जगह पर माइनस वाला मतलब ये आ गया। बाकी सारी कैलकुलेशन है हूँ ये समझते हैं। वन पॉजिटिव का मतलब होंगे असी वन तो थोड़े जे वड्डे हाँ, तो ए दी जगह पर की आता है देखते हैं। वन तो वड्डे हाँ असी, अपन तो उन्हें कहा कि जे तुहाडा एक्स जीरो तो वड्डा हो जाए तो भी एक्स आ जाओ, इतने तो आप हो गया वन तो वड्डे हाँ। वन तो वड्डे हैं मतलब जीरो तो भी वड्डे ही हैं फिर, तो यदा मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह पर की आएगा एक्स। आ देखो मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह पर आ गया एक्स। हुण आपां इहदी जगह पर देखना की आता है, तो आप कहा सी वन पॉजिटिव का मतलब वन तो वड्डे हाँ। आ देखो एक्स जदों वन तो वड्डा है तो इहदी वैल्यू किन्नी लिखनी है एक्स माइनस वन मतलब प्लस वाली। आ देखो इत्थे आ गई प्लस ऑफ एक्स माइनस वन। बाकी सारी कैलकुलेशन आप समझी भी है, तो मेन सेगा कि इहनू आपां नूं लगाना आना चाहिए, या तो आप जिहड़ा मैं पहला मैथड दस्सिया कोई कोई वैल्यू है जिहड़ी ओरली मन च सपोज करके देख लो, या फिर डेफिनेशन के थ्रू ये वाली वैल्यूज़ है जिहड़ियां फंक्शन दियाँ लगाओ, पर होनिया एकूरेट चाहिए ये ध्यान रखो। हुण आपां नैक्सट देखते हैं इहदा ग्राफ। इहदा ग्राफ जिहड़ा हैगा ये बनता इस तरह, देखो रैड मार्क किया ए लाइन आ गई, फिर इतने स्ट्रेट लाइन आ गई रैड कलर की, फिर इधर चली गई। तो इतने जोड़ा हैगा एक्स इज ईक्ल टू जीरो पर एक कोर्नर बन रहा, एक इतने कोर्नर बन रहा वन पर, एक्स इज ईक्ल टू वन पर एक्स इज ईक्ल टू जीरो पर। तो इतों आप देखिए तो इतने जीरो पर देखो किन्ने टेंजेंट्स बनते पे, क्योंकि कोर्नर के उपर टेंजेंट्स बहुत बन जाते हैं, यदा मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पर। उस तरह वन पर देखिए वन पर भी कोर्नर है, यदा मतलब इतने भी बहुत सारे टेंजेंट्स बनते हैं, तो इस करके फंक्शन इतने भी डिफरेंशिएबल नहीं है, जो कि आप थ्योरी लिखा। हूँ आप कुछ इंपोर्टेंट रिमार्क देखिए ये रिलेटड, जिड़े कि आपको फरदर किसी भी क्वेश्चन वास्ते जरूरत पै सकती है। तो की लिखे रिमार्क, इन जनरल एफ ऑफ एक्स इज ईक्ल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए टू प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए थ्री प्लस डैश 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 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए एन। तो ये जिहड़ा फंक्शन है ये आपां ध्यान रखना है, जिवें मॉडुलस जुड़े हुए है सारे, तो वह इत्थे कह रहे हैं कि जे आपां इहनू मूझवानी इहनू इक्वल टू जीरो लिखिए तो एक्स की वैल्यू किन्नी आजूगी ए वन, इतों जे इहनू आपां इक्वल टू जीरो लिखिए अंदर वाले नूं तो एक्स की वैल्यू किन्नी आजूगी ए टू, उस तरह इतों एक्स इज ईक्ल टू ए थ्री, इस तरह एक्स इज ईक्ल टू ए एन। तो वह कहता जे इस तरह का तुहाडा मॉडुलस वाला फंक्शन है तो जिहड़े पॉइंट्स तुसीं ईक्वल टू जीरो कढ के करोगे तो यह सारे पॉइंट्स इस तरह के कोर्नरस बनाएंगे डायग्राम च, तो उन्होंने कोर्नरस से आपां नूं पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी खराब हो जाती है। तो आपां इस फंक्शन नूं देख के कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज ईक्ल टू ए वन, क्योंकि इतने कोर्नर बनेगा ए टू ए थ्री ए एन, तो इन्हां ते ग्राफ साडा डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। तो एग्जाम्पल एक होर देखते हैं, मान लो आपां नूं ए देता एक फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री, तो आपां इहनूं की करांगे एक्स माइनस टू नूं जीरो दे इक्वल ही रख लाँगे मन च, तो एक्स आ जाऊगा टू, इहनूं भी इक्वल टू जीरो रख लाँगे, उत्थों आ जाऊगा एक्स इक्वल टू थ्री। तो ये दो पॉइंट मिल गए टू ते थ्री जिथे कि फंक्शन है जिहड़ा साडा डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। बट ये ध्यान रखना क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, दोनों कॉन्टीन्यूअस है कल्ले कल्ले, तो दोनों जोड़ के भी एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस बनूगा, तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है कितने टू ते थ्री ते। हुण एक थोड़ा जहा इस तरह देख लें, क्योंकि आपां नूं इस तरह जो आप समझांगे तो आपां नूं एग्जाम्पल लिखनी आसान हो जाएगी पेपर च जदों भी आपां नूं पुछा जाएगा। तो एक आ फंक्शन लिख लिया, तो आपां पता है तिन्ने मॉडुलस फंक्शन है, तिन्ने कल्ले कल्ले एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस है, जे कल्ले कल्ले एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस है तो इन्हां नूं जोड़ के भी एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस होएगा ही होएगा। रही गल डिफरेंशिएबिलिटी दी, इहनूं इक्वल टू जीरो करो एक्स किन्ना आजू माइनस वन, अंदर वाले नूं इक्वल टू जीरो करो एक्स आजूगा टू, इहनूं जीरो करो एक्स आजू थ्री। तो तीन पॉइंट्स अपने किहड़े आ गए माइनस वन इस तो, टू इस तो, थ्री इस तो। इन्हां ते की बनणगे जे आपां ग्राफ देखांगे तो कोर्नरस, तो इन्हां कोर्नरस बनन करके साडी डिफरेंशिएबिलिटी है जिहड़ी इन्हां पॉइंट्स ते नहीं रहेगी। तो आपां कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट माइनस वन टू एंड थ्री। उम्मीद है कि तुहानूं समझ लग गया होगा बहुत अच्छी तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक क्वेश्चन लिखा है मैं इत्थे, तुसीं इहदा जवाब मैनूं कमेंट बॉक्स च दसना है। देखो एफ ओफ एक्स इज ईक्ल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन बाय टू प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस थ्री बाय फाइव।
यदि कॉन्टीन्यूटी बारे दसना है तुसी कमेंट बॉक्स से लिख के, एक ये डिफरेंशिएबिलिटी बारे दसना है जो भी तुसी इस लैक्चर चो समझे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कितने नहीं है या कितने है। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्वेश्चंस गिवन इन द होमवर्क सेशन। थैंक यू सो मच।